आपने फरमाया नबी क्या हर मोमिन मिल सी अगे यारां ताई, ते जिसका पैर ईमानों खुथा उसका वास बड़ाई। पुत्र भी विछड़ जाने, बीवियां विछड़ जानियां, इस तो चाहना ना बे सारा कुनबा कट्ठा ही होवे उत्थे, ते ना करे जुलम कि तू जन्नत होवे ते पुत्ते नूं उसे नजर ना आवे, किन्ना दुख होगा बाद मेरे बेटे किथे गए। इसे तो अल्लाह ने दुआ सिखाई रब्बा ना हबला ना मेरा दवाज ना जरूरियात ना, क्यों अपने मगरी लगे जी मैं नमाजी हो जाए, इन्हों का भी कोई चारा करो, तेन अखा की ठंडक हो, दुनिया च भी राजी होवे भी मेरे पुत भी नमाजा पढ़ रहे थे, मेरी नूह भी, तो अगे भी तेरे कट्ठे हो। वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बेईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, अल्लाह दा इन्ना मैं आप कर दूंगा बे जे तू बहुता नेक ना और रह ईमान ते अपने चारा कर दे, तो बहुत थले की जन्नत है, उन्होंने पहला फ्लोर मिलया, तेनू सवा मिल गया सौ जन्नत, तो मैं अपने फजलों चुक के तेरे नाल रहा दूं, तेनू नहीं थले लियाऊंगा, उन्होंने उत्ते कर दूंगा, इन्नी मेहरबानी करूंगा। एक जगह जिहड़े महाजर कुंबे जुदे हो गए, उन्होंने पूछो बेचारे रोंदे यार विछड़ गए पिंड दे रहण वाले, इस तों विछोड़ा पै गया कोई थोड़े गल की गल, कट्ठे हो गए जन्नत बीवियां बेटे सारे खुशियां ही खुशियां। इस तों अल्लाह पाक फरमाउंदा चारा करिया करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा सब पैगंबरां दा रब जलनी मुकीम सलात मंदर, मैनू भी नमाजी बना तो मेरी औलाद नू भी बना, मैं होया नमाजी ना हो फिर की बनूं क्यामत आ जाऊं। तो अल्लाह हिदायत दे, उन्हां लई दुआ करो जिहड़े गए कि अल्लाह उन्हां दा हज कबूल फरमाए, जिहड़े इत्थे बैठे आ अल्लाह तआला इन्हां नू मौका नसीब करे। और हुण तुसीं जिहड़ा आखरी दिन आ रहा अरफे दा, साढ़ी नौ तारीख समझो इतवार, उस दिन की तैयारी करो, देखो अल्लाह के दीन के अंदर मुनासबत कि पहली जी ईद है वह भी है कि पहला रोजे है फिर छुट्टी मिलने की, खाओ पियो, और ये खाना पीना भी समझो एवं जायज नहीं जिमें अगे भी खाते पीने, नहीं इबादत है, उस दिन जिन्हें खाधा ना ईद फितर से कि मैं सिर्फ खा रहा बेवकूफ सवाब तो रह गया, ये समझे कि कल तक हुक्म सी ना खा वह भी इबादत सी, अज हुक्म होया खा, अज मैं उस हुक्म के तहत खा रहा, तुहाडा वह खाना पीना जिहड़ा वह सवाब चला जाना, फिर दुनिया की रस्म नहीं रहनी। इत्थे भी तुसीं वेख्या कि अल्लाह दे दीन ने फर्ज नहीं किया मगर सवाब बहुत दसिया, कि जे नौवीं नूं रख लो रोज़ा अगले दिन ईद है, वह रमदान वाला ईद वाला हिसाब, ये रोज़ा रखो। रसूल करीम सलाम फरमाया एक साल जिहड़ा गुजर गया तो एक साल पेश गया, ऐडा का इनाम कभी नहीं रब करता, कि आने वाला भी फरमाया एक पिछला एक आने वाला जिहड़े दीआं गलतियां माफ़ कर दूँ, इन्ना सौखा से मामला, तो फिर ही बंदे कुचाई कर बदकिस्मती कहना जी। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, रसूल ने साढ़े तक के सारा कुछ पहुँचाया, अल्लाह के करोड़ों दरूदो सलाम है अल्लाह, तो रोज़ा रखो और अगले दिन फिर जा खाना ना बकरा बुकरा, ये बाहत नहीं अगे पिछे असी गोश्त ज़्यादा जिहड़ा खाने वो सिर्फ छुट्टी खा लेंगे जाए सवाब कोई नहीं, ये तबरुक चा गया, ये खाना बरकत है, ये तुम क्या असं अल्लाह के नाँ से दे रहे हैं और तुहाड़ी नीयत अल्लाह मा मिन का वला का, सब तेरा ही दिता ते तेरे हुक्म से तेरी खिदमत हाजिर है, इस तो हमने गोश्त वो गोश्त नहीं रहा जरा दुकाना से विकता, ये बरकतला हो गया, तदे हुक्म होया ईद पढ़ के आके बिस्मिल्लाह तो कर, अज जे होर तू चखण लग पाया ना तो तू अल्लाह तआला दी नियाज की बेकदरी की, तेरे नज़दीक गोश्त ना खाते रहिए, तौबा तौबा तेन अकल चाहिए सी, अज तू अल्लाह का मेहमान, ये तुहाडे घर गोश्त नहीं पके अल्लाह पका रहा, ये उहदी मेहमानी है और अज तुसीं सारे उहदे परौणे दे, एक समझ के औखा, अल्लाह तौफीक दे, रोज़ा रखो और ये तैयारी करो, और नौ तारीख तो शुरू करके फजर तो 13 तारीख की असर तक तकबीरां पुकारनियां, हर मर्द ने हर औरत ने जमात ना आवे तना आवे, जे पूरी याद है तो ठीक है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये नमाजा तो बाद भी कहना एक बारी, तो अगे पिछे भी जिन्ना आवे ये वजीफे इन्हां पंजां दिनां च करने, ते नहीं याद ते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यही तीन बारी कह दो, मगर यह तकबीर इन्हों दिनों का खास जिक्र, अल्लाह पाक फरमाउंदा इन्हों दिनों मैं जो गिनती के दिन याद करो और तकबीर पुकारो, ये इबादत है। और हुण इंशाअल्लाह मेरी तुहाडी मुलाकात होनी है सोमवार को, इस बारी जिहड़ा प्रोग्राम सी फताब ऑनलाइन का वह भी मतलब अरफे का दिन है, कुछ तैयारी करिए। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर